दोस्तों हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं इन्होंने आपको सालों से खूब एंटरटेन किया है इनके गाने सुनकर आप बहुत बार बहुत बार खुश हुए हैं बिकॉज ही सच अ फाइन सिंगर द मैन विद अ गोल्डन वॉइस फ्रेंड्स प्लीज वेलकम सिंगर शांतनु मुखर्जी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस इन दिनों आपका नाम गानों में कम सुनाई दे रहा है आपकी आवाज गानों में कम सुनाई दे रही है ऐसा क्यों नहीं जो है सच्चाई वही है मैं खुद नहीं जानता ऐसा क्यों ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत चूजी हो गया हूँ या फिर मैंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं या <laughs> या कुछ ऐसी बात है आवाज़ भी ठीक ठाक अभी भी है इनफैक्ट आई थिंक आई गॉट बेरा ओवर द ईयर्स बट किसी वजह से uh, मेरे चाहते कंपोजर्स थे जो मुझे हमेशा हर प्रोजेक्ट में रखते थे लेकिन पिछले तीन चार सालों से यू you नो know, धीरे धीरे करते करते भी बंद ही हो गया उनसे मिलना Uh, uh, तो बहुत कम हो गया है काम आई रियली डोंट नो वाई आई हैव नो क्लू इज इट बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स हो गए हैं एक समय था जब चार पांच छह सिंगर्स हुआ करते थे आजकल तो हर गाने में कोई नई आवाज सुनने मिलती है सो इज इट बिकम सो इजी टू बिकम अ सिंगर नहीं हम लोग जब मेरा भी वक्त था आई थिंक देर वॉज अबाउट यू नो सिक्स और एट सिंगर्स दैट वुड एक्चुअली ट्रेड थ्रू और आज भी अगर देखें तो वो उस लेवल पर उतने ही हैं इनफैक्ट शायद क्योंकि या एवरी वन डूइंग वेरी लिमिटेड वर्क इन दर आर टू मेनी पीपल एंड हाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपोजर्स खुद गा रहे हैं और uh, आजकल गाने भी यू डोंट नीड एनी स्पेशलाइज स्किल यू नो क्योंकि एटलीस्ट हम लोग जब मैंने शुरू किया था अपना करियर तो कुछ चीज़ें थी जो लोग एक्सपेक्ट करते थे एक तो हीरोइक आवाज़ होनी चाहिए हीरो के साथ आवाज़ अगर थोड़ी मिल जाए तो और भी मजा आ जाए Uh, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए आवाज में uh, तैयारी होनी चाहिए काफी हद तक के यू you नो know, अगर आपको आपकी सुर uh, लगनी चाहिए आपकी जो करेक्ट यू नो तलफ है जो एक्सप्रेशन है जो uh, काफी सारी चीज़ें हैं जो एक रिक्वायरमेंट थी तो आज जो नहीं? आज वो बिल्कुल है नहीं यू डोंट रियली नीड टू प्रनाउंस द वर्ड एज वेल इनफैक्ट अगर आप कुछ विकृत करके बोलते हैं तो उसका और मजा ले रहे हैं लोग मीनिंग <laughs> uh, समझ के एक्सप्रेशंस के साथ आपको गाएंगे तो लोग इट्स आउन डेटेड पुराना लग रहा है यार <laughs> अरे यार खुशी का गाना अगर थोड़ा उसको यू नो झूम के नहीं गाए तो बोले नहीं यार अगर सैड गाना है तो उसको मैं जब खुद सुनता हूं तो ध्यान से लिरिक्स को सुनना पड़ता है कि एक्सप्रेशन या गाना क्या कहना चाह रहा है क्योंकि एक फ्लैट तरीके से गवाया जाता है या फिर गाते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें आई हैं मैं जरूर जो सुनने वाले कहना चाहते हो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ ऐसी बात नहीं है कि नहीं। मैं फ्लैट सिंगिंग नहीं कर सकता मुझमें भी ये खूबी है लेकिन पता नहीं कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट मिल रहा है आजकल उसलिए काम कम मिल रहा है तो क्या ये कहना ठीक होगा कि आपकी जो बारीकियों पर ध्यान देने की आदत है वही आपके काम मतलब आपके खिलाफ जा रही है पिछले कई सालों से अगर मैं इतने साल भी रहा हूँ बिकॉज आई बीन एबल टू री इन्वेंट माई सेल्फ लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एस्थेटिक्स होती हैं कुछ चीज़ें जो बेसिक होती है जो जो चाहे जर्नलिज्म हो चाहे यू नो म्यूजिक हो चाहे कोई भी चीज हो उसमें दैट इज अ मस्ट आप कहें कि यार इसको यू नो ज्यादा बारीकी डोंट बी क्लिनिकल यू नो सिंग इट विद मोर

लकली कोई ऐसा टाइप टाइपकास्ट भी नहीं हुआ कि एक तरह के ही गाने अफकोर्स आज लोग कहते हैं कि रोमांटिक आवाज रोमांटिक आवाज लेकिन फैक्ट इज दैट शुरू शुरू में जो आइटम गानों का भी जो uh, दौर चला दौर था, चला था, था तो उसमें ज्यादातर सॉन्ग जाहिर नहीं सॉन्ग चाहे वो निकम्मा किया या कोई कहे या उस तरह के जो दस बहाने उस तरह के जो गाने बनते थे या फिर जो इसमें से एक दो गाने गाकर सुना दो तो मजा ही कुछ और हो जाएगा निकम्मा किया इस दिल ने इस दिल ने किया है निक्वा आश की चाहता है जिंदगी उजाड़ता है आश की चाहता है जिंदगी उजाड़ता है रोके रुके ना कभी ये किसी की कहा मानता है ये गाने के बारे में किस्सा भी आपको बताना चाहता हूं आहा, आहा। कि गाना जब जी का गाना था मुझे बुलाया था गाना गाने के लिए के तो मैं सोचा कि फोन पे कह दूं कि मैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है आवाज बैठी हुई है तो कहेंगे यार ये अभी दो तीन क्या गाने हो गए तो ये प्राइसी, प्राइस, प्राइसी आगे प्राइसी आगे रहा बन रहा है तो मैं बोला जाके समझा देता हूँ ऐसा है तो सुन के बोले कि यार अच्छा लग रहा है, ये टोन। इस टोन में गाते है। तो लेकिन फटी हुई आवाज है नहीं नहीं बहुत अच्छा लग गया तो मैंने किया इस, इस टोन में पूरा गाना गाया और उसके बाद वो गाना भी चला और फिर जब भी मतलब आओ

मेरे लिए बहुत यू नो स्ट्रगल बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा मैं बहुत कम मेहनत भी किया मेरे पिताजी मेरी मम्मी दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं मेरे पिताजी कंपोजर थे ही कंपोज ही आई लॉस्ट वेरी वाली वी एक्सपायर एटी एटी सिक्स बट बट ही आर वेरी उनकी गुडविल बहुत ज़बरदस्त थी हर कोई जानता था कि मानस जी मानस दा मानस मुखर्जी uh, yeah, साहब uh, बहुत ही गुणी बहुत ही uh, कमाल के कलाकार थे बहुत ही अच्छे इंसान थे तो मेरे लिए सारे दरवाजे काफी आसानी से खुल okay. गए जैसे अनु जी मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे किस्सा भी बताते थे कि यू नो मैं जब वहां से गुजर रहा था यू नो योर डैड गुड रेस्टोरेंट के पास वहां सिरे पीते थे और मैं उनसे बात किया और उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया I know, I <laughs> 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 इंप्रोवाइजेशन भी बहुत करते थे आप गाने गाते वक्त हाँ एक थोड़ी सी आदत थी आई थिंक बींग अ कंपोजर सन कहीं ना कहीं यू नो एक कॉम्पोजिशन uh, के अंदर थोड़ी थोड़ी अपनी कॉम्पोजिशन बन जाती थी बिकॉज आई थिंक यू टू अंडरस्टैंड इम्प्रोवाइजेशन फॉर मी इज समथिंग दैट इज एन एक्सप्रेशन इट कैन नेवर बी एन इम्प्रोवाइजेशन वे यू नो आप, uh, आप uh, गायकी दिखा रहे हैं या नोट्स को छेड़ रहे हैं mm -hmm. या मतलब mm -hmm. ये हवाएं में तेरी kill the whole space of the song. Exactly. वो सब जबरदस्ती दिखाने के लिए देखो मैं हरकत कर रहा हूँ जब दिल से गा रहे हैं और कुछ एक हल्का सा एक फर्क आ जाता है कुछ हल्का सा चेंज जा आ जाता है समटाइम्स कंपोजर्स देर आर कंपोजर्स वेरी स्ट्रिक्ट ट लाइक फॉर इंस्टेंस एसिंग फॉर से जब नदीम श्यावन जी के लिए गाता था mm -hmm. तो अलाउ करता वेरी स्ट्रिक्ट नहीं ने, ने, ये जाली नोट है ये नोट मेरा नहीं है ये <laughs> नोट मेरा नहीं है भैया <laughs> तो मैंने जो आपको बताया उसके अंदर आपको जो एक्सप्रेशन करना है आप कर सकते हो सज नदीम सर ऑलवेज इज एक्सप्लेनेशन वुड बी देर इवन इफ इट्स ऑन द फोनोजा पकड़ लेते थे नहीं 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 वो उस पर फोन भी सुन के फिर श्यान जी हाँ नहीं नहीं शाह मैंने जो आपको सुनाया था वही वही आपको गाना है <laughs> तो वो भी एक्सप्लेन करते थे कैसे करना है बट लाइक आदि जी इज इज वेरी यू नो ही ओके ये चीज अभी अभी गाना तुम्हारा है जम के से बस अगर कहीं कुछ लगे जैसे इम्प्रोवाइजेशन uh, जैसे जतन जी ललित जी hmm. के साथ जब मैं गाता हूँ hmm. गाता था इम्प्रोवाइजेशन भी वो प्लान करके बताते थे अच्छा हाँ? जैसे मैं भी एज गुड एज नॉट अराउंड हूँ पिछले uh, तीन दो तीन सालों में एक आधी गाने आते हैं कहीं ना कहीं लेकिन इफ यू लुक एट द रॉस्टर इफ यू लुक द नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ बीन रिलीज्ड एनीर लास्ट ईयर आई हैड 34 फिल्म रिलीज सॉन्ग्स एंड वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माय करियर हां क्योंकि जो uh, छोटी फिल्में बनती हैं जो mm -hmm. फिल्में लोग सुनते नहीं है जिनमें काफी अच्छी अच्छी गाने भी होती हैं लेकिन, uh, लेकिन नहीं होती है प्रमोटेड नहीं होती और आजकल यू नो रेडियो टेलीविजन इट्स ऑल ऑल अबाउट प्रोडक्शन हाउस क्या यह भी कारण होता है कि आप लोग जो <laughs> मचे हुए कलाकार हैं आप लोगों की फीस इतनी होती है कि प्रोड्यूसर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स थिंक इट्स बेटर टू तो टेक न्यू कम बिकॉज जैसा आपने कहा आजकल वो बारीकियां तो कोई देखता नहीं है नहीं <laughs> मेरी फीस इतनी नहीं है <laughs> मेरी फीस बस कांस्टेंट है uh -huh. चाहे नए के हैं या पुराने के लिए अच्छा ये कहना ठीक होगा कि अब सिंगर का हुनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि uh, टेबल पर म्यूजिक डायरेक्टर्स म्यूजिशियंस कंपोजर्स ये सब क्या करते हैं किस तरह गाने को बनाते हैं इज इट वेलकम पुट इट या 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 कंफर्म दिस बट देयर इज आई मीन आई इट इो नीरज सिंह आई डोंट थिंक आज प्लेबैक सिंगर की जो बहुत सारी चीजें चली गई अभी देखिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ अभी बंद हो गया लोग चिट्ठियाँ उठियाँ भेजना बंद कर दिए तो वैसे कोई ताजुब होने वाली बात नहीं है बहुत सारी डिपार्टमेंट्स शट डाउन हो जाती है रिटंड हो जाती हैं सो आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि प्लेबैक सिंगर्स के नाम नहीं डालते हैं स्कोज में शुरुआत में सो आई डोंट सी कोई कोई खास जरूरत है उसकी क्योंकि द इंजीनियर इज डूइंग सेवेंटी परसेंट ऑफ द जॉब द सिंगर्स मेंट टू डू मतलब सुर का तो आप सुने ही होंगे मतलब uh, अगर ताल भी नहीं है तो बेताले को भी वो ताल में डाल रहे हैं और uh, टोन भी जैसी भी है उसको यू you नो know, थोड़ा बहुत सुधार उधार के ठीक से कर देते हैं एंड hmm. एक और uh, जो रिसेंट डेवलपमेंट है जहाँ यू नो जो अजीब आवाजें होती हैं जो यू you नो know, Uh, you would probably cast the voice as a character voice, maybe for a certain type of a situation. Not for the hero or the. Not for a regular hero, mainstream, lip sync kind of song. Even they are singing the regular mainstream lip sync songs. Now, you know, honestly, it's not. I'm not being spiteful about people or things like that, but it's just not logical. They say, Koi bhi gana gara बहती हवा सा था वो बहती हवा सा बहती हवा सा बहती हवा सा था वो कुछ भी बन सकता है आवाज करेक्ट But there's a certain <laughs> tone that one would like to use, and right? which would appeal to the. Matiya vasa tha wo. ये भी हो सकता है. Correct. But why would one want to go with a or a Matiya vasa tha Why why would one want to hear it like this? Correct.

आवाज की इंपॉर्टेंस आएगी या इट्स इट्स नॉट टू कम बैक किसी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि क्या होता है कि इंसान मीठा खा खा कर भी उब जाता है तो कभी बीच में कुछ कड़वा कुछ <laughs> आ, कुछ यू नो टेस्टलेस या गंदे गंदे टेस्ट नीस भी खाना चाहता है फिर वापस आना चाहता है लेकिन आ, मुझे जो लग रहा है या मैंने जो स्टडी किया है कि मुझे लग रहा है कि हर एक ट्रेंड जो कि यू नो स्पार्लिंग डाउनवर्ड्स वर्स टिपिकल ट्रेंड होती है चाहे फिल्म में हो चाहे यू नो आई एम टॉक अबाउट मूवीज बट यू प्रॉब्लम बट यू प्रॉब्लू कैन सी अदर थिंग्स ऑल्सो करेक्ट हर चीज में एक्चुअली mm -hmm. वो उस ट्रेंड के बाद जब वो खत्म होता है mm -hmm. और लोग अपने होशो अवास में वापस आते हैं जैसे mm -hmm. वो लोग में बैठते हैं वो जब खत्म होता है वापस आते हो यू टेंड टू लैंड ऑन अ लोअर लेवल एवरी ट्रेंड स्पायरल्स यू डाउनवर्ड्स इट मेक्स योर ऑडियंस मोर टॉलरेबल मेक्स दैम मोर एक्सेप्टेंट एक्सेप्टेड टूवर्ड्स

हर्ट तो नहीं होता दुख जरूर होता है नॉट नॉट फॉर नॉट फॉर सेक ऑफ इट नॉट अ पर्सनल दुख नहीं है मैंने यू नो जितना मिला भी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट तो मुझे तो ऑन अ पर्सनल लेवल यू नो ऑनेस्टली वॉज नॉट मैं काबिल भी नहीं हूँ जितने गाने मुझे मिले हैं जो भी हुआ है लेकिन हाँ जिन लोगों ने मेहनत की है जिन लोगों ने सचमुच यू नो दे गिविन द ब्लड लिटरी टू दिस आर्ट फॉर्म यू नो टू क्रिएटेड म्यूजिक उनके लिए ज़रूर दुख होता है कि यू नो और ऐसे आज भी उनके यू you नो know, कुछ यंग लड़के हैं बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं जो बहुत तैयार है जो बहुत उनमें वो सोच है उनमें वो सोच है लेकिन दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज नॉट बीइंग यूज और uh, बहुत ही गरीब आवाज़ों के बहुत ही यू नो बस एटीट्यूड एरोगेंस डिस्टर्ब बिहेवियर बट उनके यू you नो know, उनके पास ज़्यादा काम है तो इन चीज़ों से ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर द फॉर द जनरेशन दैट्स अभी यू नो आई आई एंजॉय टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ईयर्स ऑफ यू नो सक्सेसफुल करियर आई कान आस्क फॉर मॉ बट जो नए आए हैं और जो सेंसिबल हैं जो गाना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे उनका क्या होगा इज वॉर हेम रियली रियली यू नो से अबाउट सो आई रियली वॉन्ट आप प्रोड्यूसर्स ए डायरेक्टर्स एटलीस्ट पीपल हु आर अंडर जो बड़ी फिल्में बना रहे हैं यू नो कि वो अपनी आंखें खोले और इसमें एक कमर्शियल इसमें एक कमर्शियल फायदा भी है उनको आज लोग जा रहे हैं यूट्यूब हिट्स के लिए करेक्ट यूट्यूब हिट्स वही गाने को मिलता है जो गाना स्टूपेड होता है जिस गाने में एक विजुअल विजुअल टाइम पास है या ऑडियो कुछ ऐसा अजीब है कि लोग एक दूसरे को देख, ये, 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 देख देख क्या है सुन सुन तो दैट विल स्प्रेड कोई भी आप खूबसूरत मेलेडियस गाना बनाएंगे उसको यूट्यूब हिट्स नहीं मिलने वाला करेक्ट इस बात को हम मान के चलते हैं बिकॉज यूट्यूब हिट्स आपको ना सीधी जाके खरीदना पड़ रहा है Correct. ना आपको वो आप अपने फोन पे सुन रहे हैं ना आपको उसकी साउंड क्वालिटी की कोई यू नो फर्क पड़ रहा है कि वो एमपी है एमपी है किस तरह का साउंड क्वालिटी है इट्स जस्ट अ गेमिंग इट्स जस्ट अ ट्रिक इट्स जस्ट समथिंग फन समथिंग इट्स अ टाइम पास मतलब pass. आप Correct. लोग देखते हैं ना कि छोटा बच्चा आके एक बड़े बुजुर्ग थप्पड़ मार दिया दैट इज अ ह्यूज यूट्यूब हिट

कभी टीवी सीरियल्स में रोमांटिक सिचुएशन तो बनती रहती है उस गाने को वहां लेकर आते हैं उस गाने को आज भी आप सुनते हो रेडियो टीवी पर पुराने गाने ही चला रहे हैं वो गाना तभी बचता रहेगा आज से दस पंद्रह साल टेलीविजन इज पेंग यू फॉर दिस रेडियो पेइंग यू फॉर दिस लाइव आर पेंग यू फॉर दिस वन यू हैविंग दिज यू नो टेलीविजन कॉम्पिटन नो वन गोन गोर्सन स्टैंडिंग अंग प्रॉपर क्लासिक सॉन्ग फॉर विच The music company or the producer will be paid. It's for. being paid, yes. Now uh, in the composer composer is twenty five percent. There's a whole seventy five percent amount Correct. of that song. Correct. That can go to the music company. If you have sold your rights to the company or the the rights, it'll come to the producer. Correct. You'll be making money for the rest of your life, life. out of one good classic melodious song. Correct. Why don't people ट अगर आप रेडियो देखें ही मतलब वो उतना था वो पिक्चर आने के पहले के वो इसमें चल रहा है सो नॉट बिंग सी बियॉन्ड एंड एंड जस्ट रियलाइज वॉट डैमेज दे क्रिएटिंग या तो द सॉन्ग शुड ब्रूव यू शेक यू वॉन्ट अ डांस और इट शुड मूव यू इट शुड मेक यू यू नो फील समथिंग आजकल गानों में यूरोन केयर एनी थिंग आप उसको यूरोन फील क्या हो रहा है Correct. मतलब आप समझ रही साइना टाइम्स के सबसे बड़ा

लगर या बेस बीस और आपने मना कर दिया है सॉन्ग गाने से आ, नहीं पता नहीं मुझे कभी ऐसे गाने मिले ही नहीं है। क्या ये भी कहना सही होगा कि आजकल इतने रेडियो चैनल्स हैं और शहरों में इतने एफएम चैनल्स हैं कि म्यूजिक तो पॉपुलर हो ही जाता है बिकॉज यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग द सेम सॉन्ग्स तो आपको अच्छे लगने लगते हैं गाने ये बात भी सही है ये बात सही है इन तीन साल पिछले तीन डेढ़ दो तो, तीन साल से मैं जो देख रहा हूँ कि नए गाने भी बहुत कम बज रहे रेडियो में दे आर प्लेंग मोस्टली मतलब किशोर कुमार इज द मोस्ट पॉपुलर वॉइस ऑन रेडियो यू हार्डली हर एनीर आएम चेंजिंग चैनल्स आप किसी को भी पूछ लीजिएगा <laughs> आप भी सुनते होंगे रेडियो एवरी टाइम प्लेंग क्लासिक सॉन्ग दे रहा है पास आइए उनको गजले पसंद है नॉन फिल्म थिंग तो इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट टुडे

you know, our heroes, the big heroes now, they're all in their 40s, they're mm -hmm. all in their 40s, mid-40s. They're enjoying their own personal taste through their music, which is again very 80s, 90s kind of music. It's not very current, very hip, very... Today. Happening very mm -hmm. today. But they can call the shot. And once this, you know, once like a, a single theatre kind of vibe is back, you know, the storyline has to have that 80s, 90s pace, the uh, the dialogues are back, dialogue bazi ho, wo, di and so gaane bhi wale

फील्ड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन लेकिन वक्त की पाबंदी है मगर चाहे से पहले आई वुड लाइक यू टू सिंग टू सॉन्ग्स एक मुसमु सुहानी एंड एक चांद सिफारिश क्या बात है वायन मुसुसहाज माई फर्स्ट सॉन्ग यस विशाल मुसमु जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी गम बांट ले तू अपने हमसे तुले हंसी हो गए हम अब तेरे तू हो गई अपनी मुसम सुहासी देव न लाए लाए मुसम सुहासी देव चाँद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना चाँद सिफारिश चु करता हमारी देता वो तुमको बता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह <laughs> सुपर <सुभान था। laughs> <Allah. laughs> <laughs> शान एज आई सेड वी कुड गो ऑन एंड ऑन लेकिन टाइम की पाबंदी है थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड इट वाज रियली रियली अ फैंटास्टिक इंटरव्यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू तो दोस्तों ये थे शान और इससे ऑनेस्ट इंटरव्यू शायद आपने किसी सिंगर का देखा नहीं होगा इट्स सो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट दैट्स शान फॉर यू